हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 7 प्रो में MIUI 11 का 0.5.0 का अपडेट देखने को मिल चुका है। तो इसके अंदर आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को देखते रहे। इसके मैंने दो पार्ट बनाए हुए हैं। पार्ट वन देखना चाहते हैं उस फीचर्स की, तो पार्ट वन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप सारा फीचर देख सकते हैं। और उसमें वो फीचर बताने वाला हूँ जो उस वीडियो में मैंने मैंशन नहीं किया, तो इस वीडियो को देखते रहिए, उसके बाद वो जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आप Redmi Note 7 Pro के यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर ले। जैसे ही Redmi Note 7 Pro कोई अपडेट आता है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक का, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप पूरा कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी पार्ट वन की, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है टॉगल्स के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई, जियो, यहाँ पे क्विक डाटा स्विच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस अपडेट में। जैसे मैं जियो पर नीचे साइड पर क्लिक करूँ तो यहीं से मैं डाटा को किसी पर भी डिफॉल्ट वाइज सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्विक डाटा का मैं सुन सकता है, और यहाँ पर वाईफाई के अंदर भी इसी प्रकार का है देखने को मिल जाता है। तो यहीं से आप बिना सेटिंग को ओपन करें इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आपको मिल जाता है अपने कैलकुलेटर ऐप में। जैसे कैलकुलेटर ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपना हिसाब किताब कर सकते हैं, उधर भी आपका हिसाब किताब पड़ा है मोबाइल में, तो यहाँ से आप छोटा करके इसे देख सकते हैं और इसे ब्लर भी कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। इसको देख सकते हैं पूरा ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, तो ये आप फीचर आपको यूज़ करना है तो काफ़ी यूजफुल फीचर है, इसका आप भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिल जाता है डॉक्यूमेंट व्यूअर का ऑप्शन, जैसे कि आपको PC या लैपटॉप में देखने को मिल जाता था, इसी प्रकार इसके फाइल मेजर में आपको देखने को मिलता है। अब मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट में जाके देख सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का भी थंबनेल बाहर से ही देख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा आपको खोल के देखना पड़ता था डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ है। यहीं से आप बाहर से इसका थंबनेल देख सकते हैं कि किस प्रकार का कौन सा डॉक्यूमेंट इसके अंदर दिखा हुआ है। जैसे कि PC एंड लैपटॉप के अंदर आपको देखने को मिलता है, उसी प्रकार आपको इस मोबाइल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो मिल जाता है आपको नोच एंड स्टेटस बार में। जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बैटरी इंडिकेटर को चेंज। दे देखते हैं नेक्स्ट टू द आइकन, तो यहाँ पे बैटरी का जो परसेंटेज साइन है वो बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आपको चाहिए इस सिंपल सा प्रकार का, तो यहाँ से अभी आप इसे वापस डिफॉल्ट वाइज सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्राफिकल का ऑप्शन पहले से ही आपको देखने को मिल जाता है, तो ये कुछ नया चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये इन्होंने बैटरी के अंदर कुछ चेंजेस आप थोड़े बहुत किए हैं, तो इसका आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो मिल जाता है आपको गैलरी ऐप के अंदर, तो यहाँ पे जैसे ही आप गैलरी ऐप में जाएंगे और मान लीजिए कोई फोटो है तो इस पे जाएंगे, तो यहाँ पे एडिट पे आप जाते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्टिकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको काफ़ी सारी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, पहले इतनी सारी कैटेगरी नहीं देखने को मिलती थी। इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं, अगर फोटो एडिट आप जब करते हैं तो इसका आप कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लेके आए। आपको कोई अदरवाइज कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल के अंदर इनबिल्ट स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिल जाता है म्यूजिक प्लेयर में। जैसे ही अपने म्यूजिक प्लेयर को ओपन करते हैं और यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन, और यहाँ पे मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, और यहाँ पे मिलेगा डार्क मोड का ऑप्शन। तो यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर में आपको डार्क मोड देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल, जो कि Xiaomi की तरफ से दिया गया है, तो इसे अपडेट करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर आपको डिफॉल्ट बाय डार्क मोड देखने को मिल जाता है MIUI 11 के अंदर। नेक्स्ट फीचर की बात की तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, वो फीचर आपको देखने को मिल जाता है अपने मोबाइल की सेटिंग में। और जैसे जाएंगे आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, तो इनके जो सेक्शन है सारे प्रकार से अलग कर दिए गए, फेस डाटा, फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड, तो ये भी काफ़ी अच्छा इंस्टाग्राम है। लेकिन फेस अनलॉक में कुछ इन्होंने इम्प्रूव किया है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इम्प्रूव किया है। तो यहाँ पर जाएंगे, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ अपना फेस डाटा को, और यहाँ पर चल जाता हूँ मैं अपने वापिस से फेस को अनेबल करने। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब लिखा हुआ ऐड 2D फेस डाटा, तो यहाँ पे 2D फेस डाटा का स्कैनर आ चुका है। तो ये देख सकते हैं मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कैनर आपको दिया गया है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट में। एक चीज़ और बताऊँ, सेटिंग में जाएंगे आपको मैं दिखाता हूँ एक और नया फीचर जो कि इस अपडेट में नहीं आया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ वो। जैसे जाएंगे आपको होम स्क्रीन में, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है आइकन साइज को, ये अपडेट के अंदर नहीं देखने को मिलता है। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। तो ये कुछ थे MIUI 11 के फीचर, और फीचर मैंने इसमें बताए हैं। पार्ट वन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। दोनों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप लाइक कर देंगे। 200 लाइक का टारगेट या 100 लाइक जो मर्जी करना है कर दीजिए जल्दी जल्दी।
और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और भी हिडन फीचर, बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट, काफ़ी सारे हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से आज, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।